मैंने माशा माल रेसिपी आपको दी है कि जो छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर टोडलर्स के लिए जो खाना जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन बच्चों ने अभी उनके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली 6 to 7, 8 months तक के बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। उसमें एप्पल्स है और जो रिच इन आयरन होता है हमारे पास, और सिंपल राइस जो हमारे घर में ईजीली अवेलेबल होते हैं वो लेंगे, उनको सोक कर देंगे 15 to 20 minutes के लिए पानी के अंदर पहले से। और इसके अलावा हम इसमें 1 cup of water डालेंगे। वाटर की क्वांटिटी जो है वो वेरी भी कर सकती है, अगर आपको कम बहुत ज़्यादा वाटर ही नहीं रखना है तो वैसे पीडी स्टाइल के अंदर उसको रखना है। इसके अलावा इसमें हनी जाएगा, ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक है। ये जितनी क्वांटिटी है या 1 month ये जो है वो हम 2 times अपने बेबी को बहुत आराम से दे सकते हैं, 2 to 3 times। और हम पर एक बाउल है जिसके अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे और उसको स्लो लो मीडियम हीट के ऊपर चढ़ा देंगे। 15 to 20 minutes के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी ही देर में हम जो है वो 2 jars लेंगे शीशे से और उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये स्टेरिलाइजेशन में कि बैक्टीरिया वगैरह जितने भी जर्म्स हैं वो उसमें से किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और वो हमें बिल्कुल साफ सुथरे जार्स मिलेंगे। बेहतर है कि शीशे के जार स्टोर करने के लिए छोटे बच्चों का खाना यूज़ करें। सकते हैं एक छोटा सा मेथड है, आप एक पतीला लेंगे, उसके ऊपर आपने एक सिंपल जो भी आपके पास छन्नी हो, पतली मोटी कोई नहीं है, उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा मैंने रखा है साफ सुथरा सा, और उसके ऊपर दोनों जार्स को उल्टा पकड़ दिया तो स्टीम से जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सब जो है वो किल हो जाएंगे। और ये ग्लास आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे, स्टेरिलाइज मिलेंगे। हमने प्यूरी बनाने के लिए चीज़ें डाली थी सारी, वो सब सॉफ्ट हो गई हैं, मॉइस्ट हो गई हैं सारी। इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो हार्ड नहीं रही है, थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड रह गया है, 1 cup of water जो था वो थोड़ा सा बाकी है इसमें। अब ये हमारे पास जो है वो जो था प्यूरी का मिक्सचर, उसको हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करें। अब देखिए बहुत ज़्यादा हॉट है, इसको हॉट हॉट हम जो है वो ब्लेंड नहीं करेंगे बल्कि इसको ठंडा होने के लिए देंगे, और उसको फिर दोनों जार्स के अंदर इक्वली निकाल लेंगे। आप चाहे तो स्टोर कर दें और चाहे तो अभी फ़ौरन इस्तेमाल कर दें। ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा हम जो, और इसको जग में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बाद जो है वो उसको ब्लेंड कर लेंगे। वाटर इसमें ऑलरेडी है, हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो हम इसको कितने जार्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्यूरी रेडी हो गई है, हमने इसको जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको हम आराम से 1 week के लिए स्टोर कर सकते हैं। हम इसको निकालेंगे अपने रूम टेम्परेचर पे, जब ये आ जाएगा फ्रिज से निकालने के बाद तो हम इसको अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। बहुत अच्छी होती है, इसमें आप शहद डाल के यूज़ करें, चाहें तो हल्की सी शक्कर डालें जैसे आपको अच्छा लगे, और चाहें तो आप इसको भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एप्पल्स पास बहुत अच्छे से मीठे मीठे से होते हैं तो वो उनके बनाने के बाद वो और यम्मी लगेंगे।